तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक ही होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं किस बाइक के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये है आपके सामने डोमिनार, एक चमचमाती बाइक 250cc। तो दोस्तों, एक बारी बाइक का वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको। बाइक देख लीजिए दोस्तों, बाइक देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार है, खूबसूरत है, मस्कुलर है। एक बारी बैकग्राउंड देख लीजिए आप, टेल लाइट भी काफी ज्यादा अच्छी है। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं आपको, जिन दोस्तों ने इस चैनल पे अभी तक आज पहली बार आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम इसके स्पीडोमीटर की। तो दोस्तों, स्पीडोमीटर देखने में काफी अच्छा है। स्पीड, टाइम, फ्यूल इंडिकेशन और ये RPM दिया गया है। कुछ सेटिंग की भी चीजें दी हुई हैं इसमें। सेटिंग का भी ऑप्शन है, जब ये सर्विस मांगेगी या कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो इसमें सेटिंग का ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। और दोस्तों, टैंक में भी इन्होंने इंडिकेशन दिए हुए हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो ये है कि अब आप गाड़ी में गियर डालेंगे या गियर चेंज करेंगे तो इसमें गियर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। वो जो 400 डोमिनार में दिया जाता है वो नहीं दिया गया। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा मैं फैन हूँ बजाज का, वो ये है कि इसके जो हैंडल बार पे इन्होंने ये LED लाइट दी हुई है स्विच के साथ, ये बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, एक बार आप यार कलर देख लो इसका, रेड कलर है, बहुत ही बोल सकता हूँ कि बहुत ही सही लग रहा है। तो आप एक बारी बाइक की तरफ ध्यान मारिए, ये कैसी है। और दोस्तों, बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसका इंजन है 250cc और ये प्रोड्यूस करता है 27 BHP और न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है इसका 23.6, तो काफी अच्छा है दोस्तों। और ये DTSI इंजन है, यानी कि ये डबल स्पार्क है। तो दोस्तों, बात करें अगर इसके ABS की, तो फ्रंट में भी इन्होंने ABS दिया गया है और रियर में भी इन्होंने ABS दिया गया है। और दोस्तों, अगर बात करें इसके एग्जॉस्ट की, तो डबल बैरल एग्जॉस्ट दिया हुआ है इसके। मैं साउंड आपको एंड में चेक कराता हूं, बाकी आप पहले बाइक देख लीजिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ इन्होंने ये ऑयल कूल दिया हुआ है बाइक में, जो काफ़ी अच्छा है। अगर इसके सस्पेंशन की बात करें, तो SDS शॉकर है फ्रंट में और रियर में है मोनोशॉक। ये सस्पेंशन में भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो 157 यानी कि 157 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है बाइक की। तो अगर देसी भाषा में बात करूं, तो इसके अलॉय व्हील्स की, तो डायमंड कट इसके अलॉय व्हील्स हैं फ्रंट और रियर, आप देख सकते हो। और दोस्तों, इंजन के साथ साथ मैं बताना एक बात भूल गया कि ये FI बाइक है और ये आप देख सकते हो ऑयल कूल्ड, और इसमें आपको थोड़ा सा ग्रीन आपको कूलेंट सा दिख रहा होगा जी। और दोस्तों, अगर इसके लुक्स की बात की जाए, तो ये डोमिनार 400 की तरह पूरा सेम टू सेम है। इसकी LED लैंप्स पर अगर आप देखेंगे, तो 400 और 250 में कोई फर्क नहीं नजर आएगा आपको बाइक का। अगर सिर्फ एक ही चीज का फर्क है और देखने में, तो वो ये है इसका ये स्टिकर जिसमें 250 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर इस बाइक की वेट की बात की जाए, तो इसका वेट है 180 kg, जो मैं ज़्यादा भी नहीं बोल सकता कि ये ज़्यादा है। दोस्तों, वेट भी ठीक ठाक ही है इसका। तो दोस्तों, मैं इसका आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, जो है डबल बैरल। तो हरीश, एक मिनट, सेल्फ। तो दोस्तों, मैं इसका आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ कि कैसा है डबल बैरल। दोस्तों, अगर एग्जॉस्ट नोट सुनना होगा, तो आपने हेडफोन यूज करना, तो काफी अच्छी आवाज है इसकी डबल बैरल की। तो दोस्तों, लास्ट में इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ।
तो जम्मू में इसकी प्राइसिंग है एक्स शोरूम 160 और ऑन रोड होगी 182-185। तो दोस्तों ये आप कंपनी में शोरूम में कॉल करके आप पता कर लेना कि ऑन रोड प्राइसिंग इसकी क्या पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और जिन दोस्तों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी होगी थोड़ी सी भी, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें और बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों अगर कुछ भी कोई आपका सवाल रह गया होगा तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और उधर मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पे कमेंट करके पक्का बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल। ओके, जय हिंद।